वीकेंड है और आपका वीकेंड सॉर्ट करने के लिए मैं आई हूँ आपको ये बताने कि OTT प्लेटफॉर्म्स पर क्या है टॉप 5 रिलीजेस जिनको आप देख सकते हैं, चिल कर सकते हैं। मच अवेटेड बॉलीवुड फिल्मों से लेकर कई नई ओरिजिनल वेब सीरीज स्ट्रीम होने वाली हैं, जिसमें थ्रिलर, कॉमेडी, ड्रामा, सस्पेंस से भरी कहानियां और एक्शन होने वाले हैं। सबसे पहली जो इस लिस्ट में, मेरी लिस्ट में नाम है, वो है भेड़िया का। वरुण धवन और कृति सनन इनकी फिल्म भेड़िया का बहुत सारे लोगों को इंतजार था कि कब वो आएगी OTT पर और हम देखेंगे, तो आ चुकी है OTT पर। जियो सिनेमा पर रिलीज हो चुकी है, 26 मई को ये फिल्म रिलीज हुई थी। इसके बाद सेकंड नंबर पर है किसी का भाई किसी की जान, जिसके प्रोड्यूसर हैं फरहाद सामजी। इस फिल्म में शहनाज गिल हैं, सलमान खान हैं, इसके अलावा वेंकटेश दुग्गुबाती, पूजा हेगड़े, जगपति बाबू, भूमिका चावला, विजेंदर सिंह, अभिमन्यु सिंह, राघव जुयाल, जस्सी गिल जैसे तमाम कलाकार शामिल हैं। फिल्म Z5 पर 26 मई को रिलीज हो चुकी है। अब बात करते हैं थर्ड रिलीज की, विच इज सिटी ऑफ ड्रीम सीजन 3। तो ये बहुत अवेटेड सीजन है जो 26 मई को रिलीज हो चुका है डिज्नी प्लस हॉट स्टार में। नागेश कुकुनूर इस सीरीज के प्रोड्यूसर हैं। ये सीरीज राजनीतिक ड्रामा को दिखाती है। इसके पिछले 2 सीजन्स जो हैं वो दर्शकों ने बहुत पसंद किए, इसलिए नेटिजन्स इस सीरीज का बेसब्री से इंतजार कर रहे थे, जो कि ऑलरेडी आ चुकी है। नेक्स्ट इज ब्लड एंड गोल्ड। इसमें रॉबर्ट मासर, अलेक्जेंडर शीर, मैरी हैके और बहुत से स्टार्स हैं। ये फिल्म भी 26 मई को रिलीज हो चुकी है नेटफ्लिक्स पर। तो फिल्म जो है वो सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद के युग के बारे में है। इसे बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा और जाके फटाफट देख लीजिएगा। नेक्स्ट इज सिटाडेल। सिटाडेल जिसमें प्रियंका चोपड़ा हैं, जी हाँ, प्राइम वीडियो पर प्रियंका चोपड़ा जोनस और रिचर्ड मैडन की ये वेब सीरीज का जो 6th और लास्ट एपिसोड है वो रिलीज हो चुका है। ये एक स्पाई सीरीज है। इसमें प्रियंका एक स्पाई के किरदार में है और काफी पसंद किया गया है इसमें प्रियंका की भूमिका को। तो इसका भी एपिसोड आ चुका है, तो इसको भी आप मिस मत कीजिएगा। ये मैंने टॉप 5 रिलीजेस ऑफ द वीक बता दी हैं। अब वीकेंड मैंने आपका सॉर्ट कर दिया है। फिलहाल मुझे इजाजत दीजिए और अपने फीडबैक हमें कमेंट्स में दीजिएगा। तमाम अपडेट्स के लिए चैनल के साथ बने रहिए।